actor Ritesh Deshmukh launched the new song of his upcoming film Banjo at a renowned radio station. The actor interacted with the media as he spoke about the film. सबसे पहले रोल चूज़ नहीं करते, फिल्में चूज़ करते हैं, क्योंकि आपको स्टोरी शायद बहुत पसंद आए तो लगता है कि ये फिल्म बननी चाहिए और इसमें अगर आपका किरदार अच्छा हो तो आपको लगता है कि उसमें काम करना चाहिए। बैंजो का कुछ ऐसे हुआ, जब मुझे कहानी सुनाई गई थी, रवि जी और मेरी दोस्ती काफ़ी पुरानी है, इनफैक्ट मैंने प्रोडक्शन जब शुरुआत उसकी की थी तब उसके डायरेक्टर, उस फिल्म के डायरेक्टर रवि थे, को प्रोड्यूसर भी थे बालक पालक, हम लोगों ने इकट्ठा प्रोड्यूस और रवि जी ने डायरेक्ट की थी, तो इस दोस्ती का सिलसिला तब से शुरू हुआ था। उसके बाद हम लोगों ने बहुत सोचा कि एक साथ काम करना चाहिए, दो तीन स्क्रिप्ट हम लोगों ने सोची थी, पर सबसे पहली स्क्रिप्ट थी बैंजो एंड आई एम ग्लैड के उसके 3-4 साल बाद यू नो एक्टर डायरेक्टर इकट्ठा आते हैं, बट एक अच्छे प्रोड्यूसर का होना बहुत ज़रूरी होता है। And I'm glad that मुझे फिर पता चला कि रवि जी और कृषिका जी इकट्ठा आकर ये फिल्म प्रोड्यूस कर रहे हैं, एंड देन दे कॉन्टैक्टेड मी फॉर द फिल्म। आई वॉज ग्लैड दैट आफ्टर सो मनी ईयर्स बोथ ऑफ देम थॉट ऑफ मी, एंड आई एम हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ दिस फिल्म। व्हेन यू स्टार्ट एंजॉयिंग एंड स्पेशली द लिरिक्स ऑल्सो गोज हैंड इन हैंड एंड यू स्टार्ट टैपिंग योर फीट, आई मीन You just start enjoying basically any music you hear, any tune, it has to hit the pulse. So that's how you start enjoying any music we hear till now, I'm sure. And banjo itself, when you think of banjo and you can think of Ganpati songs, they go very hand in hand. You know, the song, the name, it goes with banjo means Ganpati, yeah. Or it's you can hear it in Navratra. So it's about it's about the music of a banjo music. It's a musical film, and banjo player. It's about the banjo players who deal with the people, yeah, in this today's world. So I would say that Ganpati song has to be released, and unfortunately we are coming before after Ganpati. So the song is very important at that day. And that's why we're here to launch the song. मुझे ऐसा लग रहा था कि जो स्ट्रीट म्यूजिक है इंडिया का, उसका अगर फ्यूजन हो गया तो इंटरनेशनली को ज़्यादा सुना जाएगा, और आई एम श्योर कि विशाल शेखर जिस तरह से जो यहाँ का म्यूज़िक है, अपनी मिट्टी का जो एक म्यूज़िक है, उसको जहाँ जिस तरीके से वो एक वेस्टर्न बीच में डालते हैं, गणपति में जो उन्होंने जो यूज़ किया है, सब जो ट्रेडिशनल म्यूज़िक है उसके साथ उन्हें जो इंटरनेशनल डिफरेंट वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया, उसका जो फ्यूजन है, I think it's very interesting and it's very colorful and a celebration है basically, and for me also a celebration because पहली हिंदी फिल्म है, पहले हिंदी फिल्म का पहला गाना है, और पहला गाना वो भी गणपति बप्पा पे, आई थिंक आई एम ब्लेस्ड। सबसे पहली बात यह है कि जब बैंजो की स्क्रिप्ट मुझे सुनाई गई थी, आई फेल इन लव विद द फिल्म एंड द कैरेक्टर, पर क्या है कि जब नरेट किया गया था तब म्यूज़िक नहीं था, हमें पता था कि ये 5 गाने आएंगे, और अगर पूरी फिल्म पूरी फिल्म का नाम ही बैंजो है, एक इंस्ट्रूमेंट है, और अगर म्यूज़िक अच्छा ना हो देन द फिल्म फेल्स। और मुझे लगता है कि इस फिल्म के असली हीरो, मैं हमेशा कहता हूँ, विशाल और शेखर है, जो उन्होंने इतना अच्छा म्यूज़िक दिया है, इस फिल्म की असली बैकबोन वो है, एंड आई थिंक रवि हैज़ ऑलवेज गिवन ग्रेट म्यूज़िक। उनकी कोई भी मराठी फिल्म आप ले लीजिए, हमेशा ब्लॉकबस्टर म्यूज़िक रहा है उनका, दैट्स बिकॉज ही इनहेरेंटली हैज़ अ ग्रेट ईयर, उनको म्यूज़िक की समझ उनकी बहुत अच्छी है, और मुझे लगता है उसी के वजह से ये जो कॉम्बिनेशन है रवि ज़ादा, विशाल और शेखर का, इट्स एन अमेजिंग कॉम्बिनेशन। जहाँ आपका सवाल था कि अग्निपथ का एक गाना था, फिर बाजीराव मस्तानी में दूसरा गाना था, ये तीसरा गाना है उस सीरियल में, बट यू नो आई जस्ट फील दैट ये गाना अलग इसलिए है क्योंकि जैसे रवि जी ने भी कहा कि इंडियन सॉन्ग है, गणपति इज़ एन इंडियन गॉड, और उसका पूरा जो साउंड है, बम्बई साउंड है, मुंबई का साउंड है, दिस इज़ वेरी स्ट्रीट, इंडियननेस बहुत उसमें ज़्यादा है, बट ही ऑलवेज वॉन्टेड टू मेक अ फ्यूजन कि अगर बेस गिटार यूज़ किया जाए उसको किस तरह थोड़ा वेस्टर्न बनाया जा सकता है, अगर गणपति की आरती अगर रॉक तरीके से गाई जाए तो उसका क्या अलग फील आ सकता है,
एंड दैट्स वॉट दे हैव ट्राइड टू अचीव. वी कैन जस्ट होप एंड प्रे दैट कि लोगों को ये गाना पसंद आए. जितने लोगों ने गाना देखा है, सुना है, और ट्विटर पे जो रिएक्शन आ रहे हैं उससे तो ऐसा लग रहा है कि उनको पसंद आ रहा है. बट इट्स टू अर्ली एंड आई जस्ट होप एंड प्रे दैट इट डज इक्वली वेल. जब मैंने पहली बार जब हम लोगों ने फाइनल ड्राफ्ट सुना है इस फिल्म का 6-7 ड्राफ्ट के बाद, और हम लोग ओके लेट्स गो, तो रवि जी गिफ्टेड मी अ बैंजो. ही सेड कि दिस इज़ फॉर यू एंड नाउ लेट्स स्टार्ट. सो वो बैंजो मैंने रखा है और आई थिंक दैट विल बी लाइक माई प्राइज पोजेशन दैट माई डायरेक्टर गिफ्टेड मी अ बैंजो वेन वी जस्ट froze the script.